किडनी के मरीजों को अपना आहार हमेशा डॉक्टर या डाइटिशियन की मर्जी से ही लेना होता है, क्योंकि किडनी के मरीजों का पाचन तंत्र काफ़ी कमजोर होता है। किडनी के मरीजों को ऐसे आहार दिए जाते हैं जो उनके शरीर में क्रिएटिनिन के लेवल को ना बढ़ाएं, क्योंकि ऐसा खाना अक्सर किडनी के काम को बढ़ाता है, साथ ही शरीर में कई सारी बाधाओं को भी बढ़ा देता है। तो चलिए दूर करते हैं इन बाधाओं को और जानते हैं किडनी के मरीज क्या खा सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा में, जहां आज हम लेकर आए हैं किडनी के मरीजों की डाइट के बारे में कुछ खास जानकारी। किडनी के मरीज अपनी डाइट में उन चीज़ों को आराम से ले सकते हैं जिनका सेवन उनके शरीर में ना तो क्रिएटिनिन को बढ़ाए, ना ही यूरिक एसिड को बढ़ाए और ना ही उनके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाए, इसलिए उन्हें खाने में कई सारी चीज़ों का परहेज करने की ज़रूरत होती है। सब्जियों के बारे में बात करें तो किडनी के मरीज कुछ चुनिंदा सब्जियां ही खा सकते हैं, जैसे घिया, करेला, टिंडा, पत्ता गोभी, तोरई, आलू, परवल, लाल शिमला मिर्च, कद्दू, कच्चा पपीता, प्याज और हरी मिर्च का सेवन ही कर सकते हैं। किडनी के मरीज रोजाना घिया की सब्जी खाकर बोर हो जाते हैं, तो वह इसके भरवा पराठे या भरवा रोटी भी खा सकते हैं। करेले का सेवन वह 10 दिन में सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं, वो भी डॉक्टर की सलाह के बाद। टिंडे और परवल का सेवन तो रोज करें, लेकिन कभी सूखी सब्जी खाएं तो कभी रसदार, इससे आपके रोजाना के खाने में बदलाव होगा। शिमला मिर्च को भी 7 से 10 दिन में केवल एक ही बार खाएं, वो भी डॉक्टर की सलाह लेकर। कभी सादी शिमला मिर्च की सब्जी बनाएं तो कभी भरवा। किडनी के मरीज इसका सेवन अपने स्वाद के हिसाब से कर सकते हैं और ध्यान रहे सभी सब्जियों का प्रयोग उबालकर ही करें, यानी कि इनकी सब्जी बनाने से पहले इन्हें उबालना जरूरी है। अब बात करते हैं फलों की। किडनी के मरीज सेब, अनानास, पपीता, नाशपाती, अमरूद और बेरीज को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, पर अमरूद के बीज निकालकर ही इसका सेवन करें और अनानास डॉक्टर की सलाह लेकर ही खाएं। पूरे दिन में केवल 100 ग्राम फल ही खाने हैं और फलों का जूस बिल्कुल ना पिएं। अनाज में सिर्फ गेहूं के आटे से बनी रोटी, चावल उबले हुए, धुली मूंग की दाल और डॉक्टर अगर सलाह दें तो अरहर दाल को भी किडनी के मरीज खा सकते हैं, लेकिन आप दाल का सेवन रोज ना करें, इसका सेवन 7 दिन में 2 बार ही करें और इससे आपकी डैमेज किडनी के काम में दबाव नहीं आएगा। धुली मूंग दाल में थोड़ा बदलाव लाना हो तो इसका सांभर बनाकर खाया जा सकता है या फिर इसकी भरवा रोटी भी काफ़ी स्वादिष्ट होगी। चावल का सेवन सिर्फ दिन में एक ही बार करें। इसके अलावा दही जो गाय के दूध से बनी हो, पनीर और एग वाइट भी किडनी के मरीज अपनी डाइट में ले सकते हैं। तो ये है किडनी के मरीजों के लिए रोजाना के आहार, लेकिन रोज रोज ऐसे आहार किडनी के मरीजों को बोर कर सकते हैं। इसके लिए आप किडनी के मरीजों को रोज सुबह नाश्ते में कुछ अलग दे सकते हैं, जैसे पोहा, सूजी से बना हुआ आहार जिसमें आप उपमा, उत्पम, सूजी से बना हुआ पास्ता, गेहूं का दलिया और साबुदाने की खिचड़ी, इस तरह के आहार किडनी के मरीजों को आप दे सकते हैं। इन सभी चीज़ों को किडनी के मरीज अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसकी कितनी मात्रा लेनी है इसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। क्या नाम है आपके पापा का? राकेश कुमार जी। क्या दिक्कत थी पहले? दिक्कत सर पहले थी कि सूजन हो जाती थी, ज्यादा देर बैठते थे तो 1-2 घंटे। हाँ जी। और कमजोरी भी थी पहले। हाँ जी। और बाद में जब मेडिकल हुआ था तब पता चला था कि किडनी डैमेज है। हाँ जी। उसके बाद जब यहाँ पर आए थे उसके बाद जब दवाई लिया तो काफी बेनिफिट हुआ है जी। अब इतनी सूजन नहीं है। हाँ जी। जब से दवाई लिया है। हाँ जी। और जो किडनी डैमेज थी उसमें भी हो रहा है। हाँ जी। अब जब मतलब पहले कहने का मतलब पहले से ज्यादा बेनिफिट है। जी जी। अब बिल्कुल ठीक, अब फिट महसूस करते हैं? हाँ जी सर। काम करते हैं पूरे दिन के अपने रोज के? हाँ जी। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं सर। ठीक है।